अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वेव, इसमें से वेव कौन सा रिप्रेजेंट है? आप सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ के आए होंगे इस टाइप का, ये जो वेव है ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, और किसी पार्टिकल के बारे में सोचो, यहाँ पर एक पार्टिकल है पी पी पॉइंट पे, उसके बारे में मैं सोचूँ, उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है और टी टाइम है, तो इसका एक इक्वेशन हम लोग पढ़ के आए थे, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर है। देखो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाले पार्टिकल का टी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाले पार्टिकल का टी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट कितना, ये वेव है। कुल मिला के इसमें तीन वेरिएबल है, एक वेव जो वाई एक्सिस के अलावा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, और एक एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है आगे, दो वेलोसिटी है, एक वेव की वेलोसिटी है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, बराबर है। तो ये बेसिक से करते हैं, इसको आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो, तो पहले बेसिक से करते हैं। तो कम से कम तीन वेरिएबल तो इस हार्मोनिक वेव में तो होना ही चाहिए यार। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ये इक्वेशन है डी ऑप्शन, ये कभी सही नहीं हो सकता। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वेरिएशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट टी टाइम पे, एक्चुअली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएसएम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेव तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएशन ऑफ एक्स अलोंग वाई एक्सिस, तो इसमें टाइम गायब है, तो ये वेव रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो ये एक वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, सी कोई कांस्टेंट है तो ये भी वेव, ये दोनों वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो लॉजिकली हो गया, अब मैथमेटिकली भी इसको कर सकते हो आप। मैथमेटिकली कैसे करोगे, वो थोड़ा जो प्रोसेस है मैथमेटिकली वो थोड़ा लेंदी है। तो जो वेव है, कोई इक्वेशन आपको दे दिया गया, मान लो मैंने आपको कोई इक्वेशन दे दिया गया, चेक करना वेव है या नहीं है। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपन वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर कर्वेचर, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव। अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा, वेयर वी इज द वेलोसिटी, कोई कॉन्स्टेंट है, स्पीड है कॉन्स्टेंट है, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन को, कोई इक्वेशन को दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसी इक्वेशन को दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर इनको डिवाइड करो और रिलेट करो, और इस फॉर्मेट में आता है तो वेव रिप्रेजेंट करेगा यार। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और बी सही है।